हेलो दोस्तों, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आज हमारे यहाँ भी बाबा बोड़ी वाला इलाका है, वहाँ पर ढाबा है। 50-50 साल से ये काम कर रहे हैं। पहले इनका चाय का काम था, अब इन्होंने सब्जी वगैरह बनानी शुरू कर दी है। चपाती बनती है, चावल बनते हैं, और उनके लड़के हैं राजा जी, उनसे बात करते हैं, कौन कौन सी वैरायटी तैयार करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी राजा। राजा जी, और ये शॉप को कितनी देर हो गई आपकी? हो गए 50-55 साल हो गए। अच्छा, पहले कौन सा काम था आपके पास? पहले ऐसे दादे मेरे ने ऐसे चाह का काम किया, मेरे डैडी ने आगे इंग्रीज किया, थोड़ा मुझे सब्जी सब्जी का काम करना चाहिए। तो काफ़ी फेमस हो गए, काफ़ी लोग आते हैं आपके पास। और कितने बजे ओपन हो जाता है दुकान जी? मैं तो मतलब कि 8-8 खोल लेना दुकान, मतलब कि 9-9 बजे रोटी रेडी कर दी। शुरू हो जाती है? 9:30 बजे मतलब रोटियाँ पतला कर दी। वो डैडी सुबह उठ के करते हैं, 6-7 बजे उठ जाते हैं, शुरू कर देते हैं। साथ में क्या देते हैं? मेरे पास रोटी सब्जी दाल चावल होगा। सब्जी चावल चपाती होगी। और दिखाए आपने वैरायटी कौन कौन सी है? ठीक है, सब्जी कौन सी है? गोभी, गाजरा, शिमला मिर्च, आलू सब मिक्स है। आलू मटर है। ठीक है, ते करेले की सब्जी होएगी। ये कौन सी है? करेले आलू। अच्छा, करेले आलू मिक्स करके बनाई है। हाँ जी, ठीक है, कल्ले बनाई है ना, थोड़ी ठीक है। ते ये राजमा होंगे। ये राजमा, ठीक है। चावल के साथ भी खा सकते हैं? राजमा चावल, दाल चावल, माँ की दाल आ गई। अपनी माँ की दाल आ गई। हाँ जी, राजमा मिक्स होंगे। हाँ जी, क्या बनाया आपने? कढ़ी पकौड़े वाली है, पर पकौड़े निकल दे एक छोलिया की दाल बन के आनी है। चावल दिखाई है? चावल है। हाँ, चपाती है। हाँ, तवे रोटी है। और प्लेट कितने की तैयार हो जाती है? कितनी सब्जी आती है उसमें? मैं देता हूँ 4 रोटी। अच्छा, और 2 सब्जी। जैसे एक सूखी सब्जी लगा लो, एक दाल लगा लो, कोई भी सब्जी ले सकते हो। और 4 चपाती। और कितने की प्लेट तैयार होती है? 50 रुपए की प्लेट है। अच्छा, वैसे आप ऊपर में सब्जी ले सकते हो, जैसे 10-20-30 ऊपर में सब्जी। हाँ, एक भी ले सकते हैं, कोई भी ले लो। अपनी चपाती ले लो, खा सकते हैं, अगर नहीं तो आपसे लेके खा सकते हैं। पैकिंग वगैरह भी कर देते हैं? हाँ, पैकिंग कर देते काम भी। और कोई स्पेशल तैयार करवाना चाहे सामान, वो भी तैयार कर देते हैं? हाँ, कोई ऑर्डर में हो जाएगा ऑर्डर में। हाँ जी, वो तो हमारे लिए प्लेट तैयार करने लगे भैया। और ये राजमा इन्होंने काफ़ी अच्छे बनाए हैं। और ये राजमा इन्होंने डाल दिए कटोरी में। और ये राजमा वहाँ की दाल है, काफ़ी संगनी बनाई हुई इन्होंने। 6-7 बजे शुरू कर देते हैं, और 10-11 बजे इनका काम शुरू हो जाता है। चपाती भी मिलती है, चावल भी मिलते हैं, लोग आके बैठ के खा के भी जाते हैं, और पैकिंग वगैरह भी इनकी जाती है। और कितने बजे तक काम रहता है शाम को? हाँ, 10 बजे। दस बजे हाँ जी, ठीक है। वैसे तो उनके पास 5-6 वैरायटी बनी है, हमने 2-3 ही लगा रही है। ये कढ़ी बनी है उनकी, और ये जी माँ की दाल है राजमा, और माँ की दाल मिक्स है, और ये राजमा ओनली तरी वाले राजमा है, और साथ में प्याज है, मिर्च है, और पुदीने वाली चटनी है, और साथ में चपाती है। तो अगर आप फुल प्लेट लेना चाहते हैं तो 4 चपाती मिलेगी, 2 सब्जी मिलेगी, कोई भी सब्जी ले सकते हैं 5-6 वैरायटी में से। और तो 10 रुपये की एक कटोरी है, 10 रुपये की ये दे देते हैं, पैकिंग वगैरह भी कर देते हैं। सुबह 9-10 बजे इनका काम शुरू हो जाता है। काफ़ी लोग आते हैं, यहाँ पर बैठ के भी खा लेते हैं, और पैकिंग वगैरह भी लेके जाते हैं। और इनका 9-10 बजे काम शुरू हो जाता है, रात के 10 बजे तक रहता है छुट्टी, ये कोई नहीं करते। आप इधर बड़े आसानी से आ सकते हैं। और लोकेशन बताए भैया जरा। हॉस्पिटल के साथ में अंदर आना है। हाँ, और बाबा बोड़ी वाला बाजार है। राजा क्या बोलना है? राजा जी? हाँ, राजा का ढाबा। और काफी फेमस है ये, और 50 साल
साल बोले थे ना आपने, 50 से 55 साल हो गए, 50-55 साल हो गए। पहले इनका चाय का काम था, अब इनका खाने वगैरह का काम है और काफी चल रहा है, काफी लोग आ रहे हैं। अगर आप इस तरफ आए तो जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।